बचपन 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। मैं इस मौके पर चाहूंगा कि शहर अजीज की DYSP मोहतरमा लता टुंडे साहब यहाँ तशरीफ लाएं और आज के इस प्रोग्राम के ऊपर अपने ख्याल अपने एहसास का इजहार करें। आज यहाँ पे मौजूद मेरे भाइयों और बहनों, आज का जो दिन है वो बहुत अच्छा दिन है। जैसे कि सबने बताया कि मिलन तीन लैंग्वेज का मिलन हो रहा है और ये बहुत अच्छा दिन है। और सर ने डॉक्टर साहब ने मुझे आके बताया कि आपको आना है और इनोग्रेशन करना है, तो मैं बहुत खुश हो गई। और यहाँ सबको सबकी मैं ये करती हूँ, सबकी मतलब मुझे ऐसा लगा कि आखिर तक यहाँ से कोई हिल नहीं रहा, क्या बात है। तो मैं मेरा बहुत बड़ा था समझते कि ऐसे प्रोग्राम को मुझे बुलाया गया है और क्या सुनते ही रहते ऐसा। अभी पुलिस वालों को ज्यादा बात नहीं करने आएगी, स्पीच करने नहीं आएगा, क्योंकि मैं कहूँगी उतना आप थोड़ा गौर से और मुझे समझ लोगे कितना मैं चाहती हूँ। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। आज जो भी बात कहना चाहती हूँ और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि सच्चाई की तरफ आप आए और हम इंसान को यही रास्ते पर लेकर जाइए। हम सब अल्लाह ताला ने हम सबको चुना है, इसीलिए चुना है कि हर एक को काम अपना वर्कआउट दिया है, काम दिया है कि तुझे मैंने चुना है अच्छे काम के लिए। और तुम्हें तमाम जो भी मजबूर लोग हैं, जो भी तकलीफ में है, उनके लिए तुझे काम करना है और यही दिमाग में रखते हुए हम जा रहे हैं और जाते रहेंगे, चलते रहेंगे। एक खुदा को मानता है, अपनी अपनी जुबान में उसको याद करता है, लेकिन उसी की पूजा करता है। मुझे बड़ी खुशी है कि जलालुद्दीन कासिम साहब ने ये जो ट्रांसलेशन, संस्कृत का ट्रांसलेशन उर्दू व्याकरण में लाया है और वो चाहते हैं कि हम सब इंसान एक दूसरे को जाने, एक दूसरे की मोहब्बत, हम मोहब्बत में से करीब आए। हम में कोई फर्क नहीं है, अल्लाह ताला एक है और जिन दोनों को भेजा गया था जमीन पर, अदम और इनको भेजा गया और फिर हम तो किसके साथ एक ही माँ बाप के बेटे हैं ना, हम एक ही है। पर ऐसा होते गया कि अल्लाह ताला ने हर एक नबी को भेजा गया पर हर एक थोड़ा सा गलत रास्ते से, मैं भी खुदा हूँ ये पता नहीं की कोशिश में सब ऐसे एक एक साइड को होते गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु पैगंबर साहब जो है वो आखिरी नबी है और उन्होंने आखिर तक इतना हर इंसान में पता ये कितनी मेहनत लेके और सबको एक साथ जुड़ा कर उनको ये बताया कि हम अल्लाह ताला ही एक है हमारे सबके लिए, अल्लाह ताला ही एक है। तो मैं चाहती हूँ कि ये सब है तो हम खून खराबा क्यों करते हैं, क्यों हम एक दूसरे को तकलीफ में लाते हैं। मेरे आंखों में आंसू आते हैं
किसी को मारा जाता है, मैं नहीं चाहती ये कौन है। मैं चाहती हूँ कि एक इंसान ने दूसरे इंसान को तकलीफ दी तो हम प्यार से मोहब्बत से समझाते हैं। पर आखिर एक बात आती है कि अगर कोई नहीं समझता तो उसको भी कानून के जरिए फिर उनको समझना जरूरी पड़ता है, क्योंकि शैतान ने उनको भटका, शैतान की वजह से वो भटक गए हैं। तो फिर भी हम उनको रास्ते लाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक आदमी को फटके से ही सीधा करना है, नहीं, हम तो पहले मोहब्बत से सिखाते हैं। हम पहले मोहब्बत से उनको, वो उनका है ठीक है, वो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, कुछ तो भी वजह है, वो भटक गए। वो तो ऐसे बहुत सारे है कि लोग है या इंसान है कि वो जब अच्छे रास्ते पर चलना हो वो भी चारों जाते होंगे, उन्होंने भी कभी कोशिश की होगी कि अच्छे रास्ते पर चलना है। पर ऐसा उनको भटकाया गया है, शैतान ने ही उनको कामयाब नहीं बनाना चाह दिया है। तो आज का जो प्रोग्राम है कि मैं चाहती हूँ एक दूसरे को करीब लाने की कोशिश है ये, तो उससे बहुत अच्छा हुआ कि एक प्रोग्राम में आपने हमें बुलाया और इतने सब मतलब सब यहाँ पे मौजूद जो है अभी कितने मतलब यूनिफॉर्म है और सिर्फ कायदा समझते हैं यहाँ पे बैठे हुए तो मास्टर है। तो मैं आप सबको सलाम करती हूँ, आप सबको सलाम करती हूँ और मैं जाते जाते आगे ये बात आपके सामने रखना चाहती हूँ कि मैं भी अभी उर्दू की तालिब हूँ। तो जाते जाते मैं आपको मेहनत को सलाम, आपके मेहनत को सलाम करते और मुबारकबाद देती हूँ कि अल्लाह आपको ऐसे ही किताबों के जरिए आप तर्जुमा करके लोगों को सामने लाया। हमने तुझे जाना है, मैं एक जाते जाते से ये बताना चाहती हूँ, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, तुझे सूरज के उजाले से फजाओं से खलास। आज मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे मेरे भाई जान मेरे बहना मुझे मिलते हैं, मुझे बताते हैं कि मैडम आप मालेगांव में ही रहना, आप जाना नहीं। तो मैं ये कहती हूँ कि मतलब जब भी कभी मुझे जाने का वक्त आएगा फिर भी मेरे दिल में है कि मैं मालेगांव के लिए काम करूँगी और आगे आकर भी सब महिलाओं के लिए सब भाइयों के लिए मैं यहाँ रहूँगी, जिनको भी कानून से कायदे से या पुलिस स्टेशन से कोई हेल्प नहीं मिलती, मदद नहीं मिलती, तो उसके लिए मेरा है दिल कि यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत मोहब्बती लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। पर ठीक है, तो उनके लिए ऐसा मुझे काम करना है। और होता क्या है कि जो मतलब अल्लाह ताला के रास्ते पे चलने वाले सब हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होता है कि थोड़े स्वार्थ के लिए, थोड़ा सा अपने इसके लिए, वो गरीबों का उनको देखने को सुनने को मन नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता और फिर कुछ ना कुछ बहाने से जवान बच्चे या तो हम मेरी बहना सर ये सब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को तकलीफ में जाना पड़ता है, तो हर तकलीफ में लेकर जाते हैं कुछ ऐसे लोग हैं कि उनका फायदा उठाया जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ आपके सबके लिए आगे चलकर भी काम करूँगी। मोहतरमा लता ढोंडे साहबा अपने ख्याल का इजहार कर रही थी, शायद कहता है कि मैं मोहब्बत हूँ मुझे आता है नफरत का इलाज, मैं मोहब्बत हूँ मुझे आता है नफरत का इलाज, तुम्हारे शख्स के सीने में मेरा दिल रख दो। ये दिल की बातें कर रही थी मोहतरमा लता ढोंडे साहबा। आइए मैं यहाँ पर हमारे तीन बच्चों का परफॉर्मेंस रह गया है, मैं एक साथ तीनों बच्चों को यहाँ पर मधु करता हूं कि हसनैन, सालेहा और आतिफ, ये तीनों बच्चे एक साथ यहाँ पर तशरीफ ले आए और अपना परफॉर्मेंस एक साथ यहाँ पर पेश करें।
और उसके बाद सिर्फ दो मुकर हमारे लिस्ट में है, उसके बाद तुम पैसा डाला بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یکساں مفید مفاد عامہ کا عالم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی ادبی دینی ملی سماجی ثقافتی تہذیبی فلاحی طبی فنی معاشی تجارتی معاشرتی انتظامی انقلابی تحریکی تحقیقی تکنیکی تفتیشی تعمیری تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل